हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज अपना टाइटल पढ़ के ही देख लिया होगा, आज मैं करने वाली हूँ ग्लोई एंड शाइनी मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अपना फेस को जो है मॉइस्चराइज करूँगी, क्योंकि मेरी फेस बहुत ही सुपर डुपर ड्राई है। दो पम्प फाउंडेशन लूँगी फ्रॉम ब्लू हेवन, एंड इसका जो शेड है वो है नेचुरल बेज। एंड डॉटर करके अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लेंडिंग। एंड अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से जो भी मैंने फाउंडेशन लगाया है सब जो मैंने सेट करना है। एंड इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ये वेकेशन की ये ब्राउन शेड। एंड इससे मैं अपना नोज़ कॉन्टोर, फेस कॉन्टोर करूँगी। एंड आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसने ब्रॉन्जर कर दिया है। एंड उसके बाद आईब्रो फिल इन करूँगी। आईब्रो के लिए मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन एंड जेल ब्लैक जेल लेके अच्छे से अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी। देन यहाँ पे मैट लुक कॉस्मेटिक की ये ब्राउनिश शेड लेके अच्छे से अपने आईलिड पे फोकस करके ब्लेंड कर लूँगी। एंड यहाँ पे फ्लफी बिग ब्रश मैंने यूज़ किया है, इससे बहुत अच्छा यू नो आई शेडो लग जाता है। एंड इस तरह से राउंड मोशन पे ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे एंगुलर ब्रश लेके यहाँ पे ये ऑरेंज शेड लूँगी। एंड यहाँ पे क्रीज लाइन पे डिफाइन करूँगी एंड लोअर लैश लाइन पे भी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इस तरीके का एक फ्लैट ब्रश लूँगी एंड उससे मैं यहाँ पे शिमर ऐड करूँगी। एंड देख सकते हो यहाँ पे मैंने शैम्पेन कलर का शिमर लगाया है। एंड उसके बाद यहाँ पे ब्लैक आईलाइनर यूज़ करूँगी। यहाँ पे विंग्ड आईलाइनर मैंने ड्रॉ किया है इस तरह से। एंड उसके बाद दो कोट मस्कारा लगाऊँगी एंड उसके बाद आई लैश को कर्ल कर लूँगी इस तरह से, इससे अच्छा इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे लोअर लैश लाइन को भी मैंने सेम ब्राउन एंड ऑरेंज शेड लेके इस तरह से स्मच कर लिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं मैट लुक का ये हाइलाइटर एंड ब्लशर पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। ये इस मेकअप की जान है, इससे ही सब कुछ यू नो फेस पे ग्लो आता है। सो मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया है। एंड हाइलाइटर देख सकते हो, टू गुड, इतना सुंदर से ये ब्लेंड कर रहा है। एंड इसका शाइन आप देख सकते हो कितना सुंदर है। एंड उसके बाद अपने आँखों को बिग दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने वाइट काजल यूज़ किया है। इससे क्या होता है कि बहुत सॉफ्ट लुक, आपको नेचुरल लुक मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं रेड कलर की यहाँ पर लिपस्टिक ऐड करूँगी। एंड मुझे नहीं लगता कि आँखों पे ये न्यूट्रल कलर है तो लिप्स पे भी होना चाहिए। एंड इस तरह से मैंने ये लुक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है, आई मेकअप या लिप्स। सो मुझे कमेंट जल्दी फटाफट कमेंट में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रखना कौन सा आपको मेकअप लुक देखना है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये इस लुक को क्रिएट किया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लशर पैलेट है। सो मिलते हैं, बाय।